Hey guys, welcome back to my channel. This is Smita Singh and this video is all about makeup. तो मैंने ये soft glam makeup look create किया है जो कि आप किसी भी occasion पर carry कर सकते हैं, like दिवाली party, card party, birthday party या फिर किसी की wedding में आप guest हो तो आप ये look carry कर सकते हो. और ये जो video है इसमें सारी product की details आपको मिल जाएंगी. So without any further delay, let's get started. मुझे पता है तुम लोगों के पास दिवाली पे बहुत काम होगा, किचन में बेकिंग, कुकिंग, घर को डेकोरेट करना, पूजा की तैयारी करना, फिर अपने चिंटर पिंटर को तैयार करना, फिर बचा कुचा टाइम अपने लिए मिलता है ना. तो इसीलिए मैं बहुत ही कम समय में और एक इजी पीजी सा मेकअप, जो अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, वो वाला मेकअप लुक लेके आई हूँ. बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ. आपको इतने हाई फाई प्रोडक्ट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं अगर आप बिगनर हो तो मेकअप के लिए, और इन मेकअप से आप सीख भी सकते हो. यहाँ पे मैं लगा रही हूँ नायका का प्रेप मी अप प्राइमर अपने पोर्स को ब्लर करने के लिए, और एक ये स्किन पे एक फिल्टर लगा देता है तो स्किन स्मूथ हो जाती है. और कलर करेक्टर का टाइम नहीं है और वैसे भी मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कलर करेक्टर की, इसलिए मैं अपने एग्जैक्ट स्किन टोन से मैच करता हुआ कंसीलर लगा रही हूँ अपने डार्क स्पॉट्स पे, और जो भी जहाँ पर भी थोड़ी बहुत ब्लेमिशेस हैं उनको मैं कवर कर लूँगी. और अच्छे से इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड कर देना है. और भले ही हम मेकअप सादा वाला कर रहे हैं लेकिन लगेंगे हम फिर भी पटाखा, तो प्लीज़ एंड तक वीडियो देखना. और यहाँ पर डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से मैं कर लूँगी इसे ब्लेंड बहुत अच्छे से. देखो कितना अच्छा लग रहा है ना चेहरा. इसके बाद मैं कर रही हूँ यूज़ नायका का स्किन शील्ड फाउंडेशन, और ये पूरा ख़त्म हो गया है और जैसे तैसे मैंने उसको दबा दबा के निकाला है और इसको मैंने पूरा कवर कर लिया है अपने फेस पे. और अब इसे हम ब्लेंड कर लेंगे एंड ब्लेंडिंग इज़ द की, सो रिमेंबर. हाँ, तो मैं ये बोल रही थी ना कि अगर आप बिगनर हो मेकअप के लिए तो आपको हाई एंड प्रोडक्ट, डायरेक्टली हाई एंड प्रोडक्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं है. गो फॉर अफोर्डेबल बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, उनसे सीखे. और डेली तो नहीं लेकिन हाँ मतलब फ्रीक्वेंटली करते रहिए. अगर आप कहीं जा रहे हैं तो करके जाइए, उससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आप जल्दी भी करने लगोगे और सीखोगे भी. सो अब मैंने फाउंडेशन ब्लेंड करने के बाद जो मेरे स्किन टोन से दो शेड लाइटर है उससे मैं अपने टी पॉइंट्स को हाईलाइट कर रही हूँ और अंडर आइज़ में भी लगा ले रही हूँ. एक्चुअली जब मैंने मेकअप सीखा तो मैंने इन्हीं प्रोडक्ट से मेकअप सीखा है, सारे यही प्रोडक्ट हैं और बहुत ही अच्छा ड्यूई लुक क्रिएट होता है, बहुत ही अच्छा, और मैंने इसी से सीखा है. तो आप ये प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, मेरे दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस. और अब मैं अच्छा खासा कर लेती हूँ, बट ये जो मेकअप लुक है बहुत ही इजी है. एंड यहाँ पर मैंने लगाया है के ब्यूटी का ब्रॉन्जर और हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे. पहले हमें जो लाइटर शेड है उसको ब्लेंड करना है, उसके बाद डार्कर शेड यानी ब्रॉन्जिंग को हम ब्लेंड करेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर इसमें ब्रॉन्जर लग जाएगा और फिर जहां हम नहीं चाहते वहां पर भी ब्रॉन्जर लग सकता है. तो इसलिए हम बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और ब्रॉन्जिंग को बाद में ब्लेंड करेंगे. और अगर आप क्रीम ब्लश लगा रहे हो तो इसी टाइम पे आप क्रीम ब्लश भी लगा सकते हो, बट मेरा जो ब्लश है वो पाउडर ब्लश है इसलिए मैं पहले क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स पूरे कवर कर लूँगी, उसके बाद एक बार पाउडर से सेट करने के बाद पाउडर प्रोडक्ट्स पे आऊँगी. तो इसलिए अभी हम अच्छे से ब्लेंड कर रहे हैं. देखो भाई, मैं बार बार बोल रही हूँ ब्लेंडिंग इज़ द की, तो ब्लेंड बहुत अच्छे से करना, मंजुलिका बन के मत चली जाना दिवाली पार्टी में. तो या अब मैं इसे कॉम्पैक्ट पाउडर यानी कि शुगर के कॉम्पैक्ट पाउडर से मैं इसको सेट कर लूँगी. शुगर एक काफ़ी अच्छा और अफोर्डेबल ब्रांड है, आप उसकी तरफ जा सकते हैं अगर आपको सीखना है तो. और मैं इसको जो ये ब्रश है ये बहुत ही अच्छा ब्रश है, बहुत अच्छा, थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पर है बट ये ब्रश बहुत अच्छा है. ये मैंने लिया था सिफोरा से एंड दिस इज़ मल्टी टास्कर, ब्रश का नाम ही है मल्टी टास्कर, इससे आप सब कुछ कर सकते हो. और यहाँ पर मैं देखो आप बातों के चक्कर में भूल गई, यहाँ पर मैं लगा रही हूँ ब्लश मेबलिन का फिट मी इन द शेड कोरल. एंड यहाँ पर मैं अपने ब्राउज को फिल करना, गाइस बिल्कुल मत भूलना, बिल्कुल भी मत भूलना. मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल पेरिस की ब्राउ
आर्टिस्ट जीनियस किट एंड दिस इज़ अमेजिंग. और जब भी आप याद रहे, जब भी आप ब्राउज फिल करें तो सेंटर से स्टार्ट करें, आईब्रो के सेंटर से, और जहाँ पर भी गैप्स हैं उनको ही केवल फिल करें और उसको अच्छे से ब्लेंड करना बिल्कुल भी मत भूलें. और जो स्टार्टिंग पॉइंट है आपके जो नोज से स्टार्ट होता है स्टार्टिंग पॉइंट आईब्रो का, उसे प्लीज़ बिल्कुल भी मत फिल करना. वो बहुत ही फेक लगेगा और बहुत ही ब्लैक ब्लैक लगेगा. और उसको अच्छे से एक वॉन्ट भी आया है इसके साथ, उससे अच्छे से कॉम कर लें और ब्लेंड कर लें. एंड लुक इट माई आईब्रोज, अच्छी लग रही है ना. और ये है पैलेट, नायका का स्वीट संडे पैलेट. ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, फेवरेट सच में. इसमें बहुत सारे शेड्स हैं और ये वाला देखो मैंने ख़त्म ही कर दिया, लाइट ब्राउन. इससे आप कॉन्टोरिंग कर सकते हो, आई मेकअप कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो. तो एनीवेज मैं इस कलर को लगा रही हूँ अपने क्रीज लाइन पे और थोड़ा ऊपर भी लगा रही हूँ क्योंकि मेरी हुडेड आईज़ हैं. मेरी आईज़ ही ऐसी हैं कि आई मेकअप कुछ दिखता ही नहीं है. बट एनीवेज मैं क्रीसेस पे थोड़ा सा अपना ये वाला जो लाइटर शेड है वो लगा लिया है. फिर उसके बाद जो डार्कर शेड है वो मैंने लिया है और इसको लगा रही हूँ मैं अपने आउटर कॉर्नर पे. हम बहुत ही सिंपल सा कर रहे हैं जो आप जल्दी जल्दी में कर सकें मेकअप, मैं वही मेकअप बता रही हूँ. एंड फिर दूसरे ब्रश से लेके हम दोनों को अच्छे से ब्लेंड कर देंगे ताकि कोई भी हार्श लाइन ना रहे. उसके बाद मैं ले रही हूँ आइकॉनिक का, लैक्मे आइकॉनिक का काजल. बहुत ही सस्ता सुंदर टिकाऊ काजल है. अगर आपको स्मजी स्मोकी आईज चाहिए तो आप गो फॉर दिस, बहुत अच्छा है. उसके बाद हम इसे लाइनर पे लाइनर की तरह लगा लेंगे और आपको परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है. आप कैसा भी आड़ा टेढ़ा भी लगाएंगे तो चलेगा. और उसके ऊपर हम अपनी वाटर लाइन पे भी लगा लेंगे, उससे क्या है थोड़ी आँखें बड़ी बड़ी दिखती हैं और पूरा जो वाटर लाइन है वो ब्लैक हो जाती है. और उसके बाद जो हमने लाइनर लगाया उसको फिंगर की हेल्प से स्मच कर देंगे. अगर आपके पास ब्रश भी नहीं है तो चलेगा, आप फिंगर की हेल्प से उसे स्मच कर लीजिए और हमारा इजी सा स्मोकी आईज़ रेडी है. अब मैंने ये एक आँख में कर लिया, मैं यही दूसरी आँख में भी कर लेती हूँ. बहुत ही ईजीएस्ट स्मोकी आईज़ हैं ये. उसमें आपको यू नो 50 तरीके के ब्रश भी नहीं चाहिए क्योंकि मुझे पता है कि जब यू नो फेस्टिवल्स होते हैं तो हम जल्दी से तैयार नहीं हो पाते, तो ये फटाफट वाला आई मेकअप है. एंड अगर आप चाहते हो, अगर आपके पास टाइम है तो एक एंगल्ड ब्रश लेके, और अगर आपके पास नहीं भी है तो आप ऐसे ही जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा टाइम है और एंगल्ड ब्रश है तो आप अपने इनर कॉर्नर को एक हाइलाइटर से या थोड़े शिमरी लाइटर शेड से थोड़ा सा अपने इनर कॉर्नर्स पे लगा दीजिए, उससे एक फ्रेश लुक मिलता है. एंड देखो मैं क्या ढूंढ रही हूँ, पता नहीं आप ढूंढ रही थी हाइलाइटर. सो ये भी नायका का हाइलाइटर है एंड दिस इज़ जस्ट अमेजिंग हाइलाइटर. इसमें डुअल टोन है, एक प्योर गोल्ड एक वॉर्म गोल्ड. तो मैं दोनों ही ब्रश में दोनों ही लेती हूँ और लगा लेती हूँ. और अपनी नाक पे लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, बहुत ही अच्छा लगता है और फ्रेश लगता है. हमने भले ही मेकअप जल्दी पल्दी में किया हो लेकिन हाइलाइटर बहुत सारा लगा के हम बिल्कुल एलईडी की, चाइनीज़ एलईडी की तरह चमकेंगे और पटाखा लगेंगे, है ना. और उसके बाद अगर आपको फिर भी चाहिए थोड़ा और ग्लिटर तो गोल्ड और वो थोड़ा शिमर शेड लेके आप अपने आईलेट्स पे लगा सकती हैं. अगेन मैं अपनी फिंगर्स ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि फिंगर से जल्दी जल्दी हो जाता है. पता नहीं ये वाला ब्रश कहाँ है, वो वाला ब्रश कहाँ है, आई कैन अंडरस्टैंड ना, हम सारी लेडीज़ का यही प्रॉब्लम है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लगाएंगे स्काई हाई मेबलिन का स्काई हाई मस्कारा और अपनी आईलैशेस को पता नहीं कहाँ तक पहुँचा देंगे. और नीचे की तरफ आप करेंगे तो उससे लेंथ होगी, ऊपर की तरफ अगर आप करेंगे तो उससे वॉल्यूम मिलेगा. एंड नीचे के आईलैशेस में भी मस्कारा ज़रूर लगाएं. उसके बाद मैं रहने का आउटलाइनर से मैं करूँगी अपने लिप्स की आउटलाइनिंग. आप जब भी आउटलाइन करें ना तो थोड़ा ऊपर से ही करें, आपकी लिप लाइन के थोड़ा सा ऊपर से ही, तो ये बहुत ही एक जूसी और प्लम्पी लुक देता है. एंड उसके बाद लिप ग्लॉस भी लगा लें, बट हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि मैं दिवाली के लिए बना रही हूँ तो वो मैंने स्किप कर दिया है. एंड उसके बाद मैं लगा रही हूँ लॉरियल पेरिस की ये लिप शेड 129 एंड दिस इज़ जस्ट अमेजिंग. बहुत अच्छी लिपस्टिक है, न्यूड न्यूडिश कलर की, पिंकिश न्यूड कलर की लिपस्टिक है. और जो भी हमने पोता पाती करी है उसको लॉक कर देंगे एक मैक के सेटिंग स्प्रे से. सो हियर इज़ द लुक.